आज एक छात्र को मारा नहीं गया है, उसकी हत्या नहीं की गई है, उसकी मटकी नहीं तोड़ी गई है, या दलित समाज के साहस को तोड़ा गया है, उनके उनके सोच को तोड़ा गया है, उनके उनके कंधों को तोड़ा गया है, उनको उनको आगे बढ़ने से रोका गया है, उनके पाँव में जंजीरों को बांधने का काम करने का प्रयास है, यही वो लोग हैं। सावरकर गुलवरकर हेडग्वार के लोग हैं, पैरों पे चलना पड़ेगा। पेरियार वाले यादव हैं या कृष्णा वाले यादव? मैं ललई सिंह यादव पेरियार वाले यादव हूँ। कृष्णा तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से भी कांग्रेस गवर्नमेंट से भी कहना है, कांग्रेस की भी सरकार लोग कहते हैं सरकार है, सरकार है किसी की भी हो, अगर समानतावादी व्यवस्था ब्रह्मवादी व्यवस्था को पनपने देगी तो उसका प्रतिरोध किया जाएगा, उससे बगावत किया जाएगा, सवाल जवाब क्रिया हो उसे नेस्तनाबूद करने के लिए संघर्ष किया जाएगा। वही हिंदुत्ववादी संगठन कर्मी सेना सभा लगा के बड़े बड़े मंचों से जो है भीम आर्मी को चेतावनी देती है, और वहीं भीम आर्मी न्याय दिलाने जाती है तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता। देखिए इस देश को सिर्फ इस सामंतवादी ब्राह्मणवादी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार को सिर्फ डर है इस बात का। हमारे साथ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता उपस्थित हैं, नाम से तो परिचय नहीं है, नाम जानते हैं, क्या नाम है सर? नाम सुधीर यादव क्रांतिकारी। सुधीर यादव क्रांतिकारी, नाम भी क्रांतिकारी है तो काम भी इनका क्रांतिकारी होगा। एक मामला चल रहा है और छात्र नेता हैं आप, उधर एक छात्र को बेरहमी से पीटा जाता है अध्यापक द्वारा, सौर अध्यापक द्वारा पीट पीट कर इतना मारा जाता है कि अस्पताल के दौरान दम तोड़ देता है, क्या कहेंगे? देखिए यह जो व्यवस्था है, एक वर्ण व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ जातिवादी व्यवस्था बनाई गई, और उस जातिवादी व्यवस्था को देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी मानसिक रूप से यह चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जो पटवारी ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप देखेंगे तो आज भी देश के 1947 में देश आज़ाद होगा, संविधान लागू होने के उपरांत हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेके हीरामा स्वामी पेरिया ज्योतिबा फुले, इन्होंने सभी सामाजिक चेतना की जागृति पुनर्जागरण का काम करने के बावजूद अगर वर्तमान इस समय में भी अगर भेदभाव ऊंच नीच जीत जात हो रहा है तो सीधा सीधा इसका जवाब सामंतवादी हिंदुत्ववादी लोग हैं, या जो सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी लोग हैं, चाहे मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले आरएसएस असंघी के लोग जो हैं, ये नहीं चाहते हैं कि दलित पिछड़ा शोषित वंचित के लोग देश के तमाम संवैधानिक और सर्वोच्च पदों पर जाएं। आज एक छात्र को मारा नहीं गया है, उसकी हत्या नहीं की गई है, उसकी मटकी नहीं तोड़ी गई है, या दलित समाज के साहस को तोड़ा गया है, उनके उनके सोच को तोड़ा गया है, उनके उनके कंधों को तोड़ा गया है, उनको उनको आगे बढ़ने से रोका गया है, उनके पाँव में जंजीरों को बांधने का काम करने का प्रयास है, और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि शोषित वंचित समाज के जो भी पिछड़े दलित समाज के बच्चे हैं वो अभी जागृत नहीं हो रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करना हूँ, उठो जागो और इस बेड़ी और बंधनों को तोड़ो, और इस देश में 85% को एकता को लेकर इस देश के सर्वोच्च संस्थानों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करो। यहाँ पे मटका कांड से सारा जो है मामला निकल कर आता है जातिवाद का, और कहा जाता है जातिवाद हिंदू धर्म का बोझ सबसे ज़्यादा ओबीसी होता है, खासकर यादव समाज। जय कृष्णा, जय यदुवंशी कहकर। देखिए हम सबसे पहले तो हम बता दें, ये जो व्यवस्था है इसको इतिहास के पूरे लेके जाएंगे तब भी हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षित होना है, हमें धार्मिक जंजालों में नहीं पढ़ना है, हमें कर्मकांडों में नहीं पढ़ना है, हमें पाखंडी और परंपरावादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नहीं पढ़ रहा है, उसको तो हमारे पूर्वजों ने नकारा है, हम भी नकार रहे हैं, मुझे आधुनिकता का शिक्षा का लेख चलना है। रही बात अगर पिछड़े दलितों को अगर चलना है तो हिंदुत्ववादी जो सोच है उसको तोड़ना पड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ललई सिंह पेरियार और उनके विचारधाराओं पे चलना पड़ेगा। पेरियार वाले यादव हैं या कृष्णा वाले यादव? मैं ललई सिंह यादव पेरियार वाले यादव हूँ। कृष्णा के क्यों नहीं है? देखिए जो व्यवस्था आपको हक नहीं दे, समता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि जो धर्म आपको समानता और समानता का अधिकार न देता, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता, अवसर प्रदान नहीं करता, तो उसके उस धर्म में क्यों रहें, उसका गुणगान क्यों कहें, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है।
तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे गुलामी और जंजीरों और उस पद्धति में नहीं जीना है। कर्मकांडों पाखंडवादी परंपरावादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नहीं रहना है। मुझे समाज को एक नई दार्शनिक वैज्ञानिक पद्धति तार्किक चलिए फिर लौटते हैं वही जाला और कांड के लेकर। जाला और कांड में इतने दिन बीत गए, अभी इंसाफ नहीं मिला बच्चे को। और उधर छैल सिंह अध्यापक दोषी गिरफ्तार हुआ है, उसके समर्थन में करनी सेना या अन्य हिंदू संगठन सभा कर रहे हैं और कह रहे हैं सीबीआई जांच मांग रहे हैं और छैल सिंह को रिहा करवाने के लिए कि दोषी नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए यही वो लोग हैं, ये सावरकर गोलवरकर हेडग्वार के लोग हैं, इनको पहचानना पड़ेगा हमारे समाज के लोगों को कि ये कौन से लोग हैं। ये सामंतवादी व्यवस्था को जीवंत करने वाले लोग हैं। ये आज भी चाहते हैं कि पिछड़ा दलित आज भी सामाजिक जकड़ों में जकड़ के रहे, बधुआ मजदूरी और गुलामी के जकड़ों में रहे। इनकी विचारधाराओं को समझना पड़ेगा। आपका एक बच्चा 3 साल का नहीं मारा गया है, मैंने अभी बाद में मारा गया है कि आपके भविष्य को मारने का प्रयास कर रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जात पात और धार्मिक भेदभाव का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से भी कांग्रेस गवर्नमेंट से भी कहना है कांग्रेस की भी सरकार लोग कहते हैं कि सरकारें किसी की भी हो अगर समानतावादी व्यवस्था ब्रह्मवादी व्यवस्था को पनपने देगी तो उसका प्रतिरोध किया जाएगा, उससे बगावत किया जाएगा, सवाल जवाब के लिए उसे नेस्तनाबूद करने के लिए संघर्ष किया जाएगा। वही हिंदुत्ववादी संगठन करनी सेना सभा लगा के बड़े बड़े मंचों से जो है भीम आर्मी को चेतावनी देती है, और वहीं भीम आर्मी न्याय दिलाने जाती है तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। देखिए इस देश को सिर्फ इस सामंतवादी ब्राह्मणवादी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार को सिर्फ डर है इस बात का, और कांग्रेस गवर्नमेंट को भी मैं कहना चाहूँगा इस बात को भी डर है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार वाले लोग जब चलते हैं तो उनको रोकने का प्रयास करते हैं, जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते तो उन्हें जेलों में डालने का काम करते हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा डालने का काम करते हैं। लोहिया के हम लोग वारिस हैं, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस को लेकर एक सवाल आ रहा है, इसी प्रयागराज में चार निर्मम हत्या होती है और कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा जो है यहाँ आती हैं मिलने पीड़ित परिवार से, और वहीं राजस्थान में जहाँ उनकी सरकार है वहाँ मिलने नहीं जाती। इसी को रायनीत, ये सो कॉल्ड रायनीत, आप सोचिए ना राजनीत है, इस राजनीत को पकड़िए। मैंने अपने घर को घर जल गया तो अपना घर जल गया तो आवाज़ हाँ करेंगे, दूसरे घर जल गया तो नहीं आवाज़ उठाएंगे। आप परिवार के मुखिया हैं और आप देश चला रहे हैं, आप राज्य चला रहे हैं, और आपके यहाँ हो गया जवाबदारी आपकी देनी, आपकी सरकार तो नहीं देंगे। और दूसरे के जब सरकार में जब आपकी सरकार नहीं है तो वहाँ उछाल उछाल के हाय तो वाह ये हो गया फलाना ढिमकाना खूब तेज से करेंगी, पैदल संघर्ष करेंगी। यहाँ की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हाँ वही, ये भी राजनीति का हिस्सा है, ये बहुत बड़ा राजनीति का हिस्सा है। मैंने अपना आमाम है दूसरे का आम खट्टा है। वहीं राहुल गांधी से जब ईडी पूछताछ करती है तो दिल्ली में जमावड़ा हो जाता है कांग्रेसियों का, और उधर जालौर में एक दलित बच्चे की निर्मम हत्या की जाती है पीट पीट कर, कोई कांग्रेसी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए कांग्रेसी नेता कुछ हैं जो ट्वीट किए हैं, तो ट्वीट से काम चलने नहीं वाला है भाई। आप जिस तरह से अन्य प्रदेशों में जहाँ आपकी सरकार नहीं है वहाँ आप जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, जनता से रूबरू होना चाहते, परिवार से पीड़ित से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द उनके आंसू पोछना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, और वहीं जब आपकी सरकार आता है तो आप फेसबुक पे ट्वीट करेंगे। देखिए चोर मौसेरे भाई, इनसे सावधान रहना होगा, ये अम्बेडकरवादियों और लोहियावादियों को, ये दोनों जो सो कॉल्ड नेशनलवादी पार्टी कह रहे हैं, इन दोनों सावधान रहना पड़ेगा, ये आपके हक और हुकूक के लिए कभी आगे नहीं आने वाली हैं। एक सवाल मन में पनप रहा है, जिस तरह से करनी सेना दोषी के पक्ष में खड़ी होती है और इधर छैल सिंह गिरफ्तार हो गया है,
दोषी पाया गया है, किस तौर पे वो समर्थन कर रहे हैं, आप अपने नजर से क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे कांग्रेस सरकार? यह लोकतंत्र को पूर्ण रूप से खतरे में है, इसीलिए हम लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। जब बलात्कारी विधायक हो, उसको वो जेल से बाहर निकल रहा है तो फूल मालाएं डाल रही हैं, अपराधी या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो उस पर फूल माला डाल रहा है। इसी से एक बिल्किस बानो का मामला जुड़ा हुआ है, उनके घरों के सदस्यों के साथ दुष्कर्म किया गया और जो आरोपी थे वो जेल में थे और सालों बाद वो छूटे, उनको माला से जो है स्वागत किया गया, बताइए क्या कहें? इससे पहले कभी इस देश, इस मुल्क को कभी इस तरह का धार्मिक खतरा नहीं पैदा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, उसके इतिहासों से जोड़ना, कुतर्क जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तरह से पोटी डालकर वो पोटी करने लायक ही है, वो ऐसा वैसा ज्ञान को अवेलेबल कराया जा रहा है और देश की भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम ऐसी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क मुद्दाएं को खराब पीछे छोड़ के हिंदू मुसलमान पे ले आके लड़ाना और लड़ा के राजनीति की रोटी सेकना और गद्दी पे बैठना, इन भारतीय जनता पार्टियों को ये बहुत बखूबी से आता है और इसी पे जनता फंस रही है। जनता अपनी बात नहीं, बिल्किस बानो की बात को आप देखिए कि किस तरह से उसके गैंग रोपी अपराधी जो उनकी उम्र कैद की सजा होगी उनको माफ़ कर दिया गया। क्यों भाई, दिमाग में ये डाला जा रहा है कि हिंदू मुसलमान, मुसलमानी लड़की क्या, तो इस देश की संविधान के तहत इस देश की नागरिक है, जितना हक इस देश के संविधान पे हिंदुओं का है उतना से अब संविधान मुसलमानों का है, सिखों का, ईसाइयों का, यहाँ तक कि इस संविधान पे उतना ही हक नास्तिकों का भी है, यह देश उतना ही अधिकार नास्तिकों का भी देता है, इस देश में नास्तिक भी रहते हैं। तो क्या आप नास्तिक हैं? देखिए हम लोग धार्मिक हैं, इसी बात नहीं, धर्म को मान रहे हैं, धार्मिक हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी, परंपरावादी मानसिक। आपका पूरा परिचय का क्या है, कहाँ से हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन सी तैयारी कर रहे हैं? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मूलतः मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, मेरे भगवान तथागत बौद्ध के महाप्रणिवार स्थलीय वहीं से मैं रहने वाला हूँ, कुशीनगर जिले से, और हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार छात्रानी से जुड़े हैं, तमाम आंदोलन को। आप अपना नाम दोबारा से? क्रांतिकारी सुधीर यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र नेता, और कई बार हम लोग जेल भी गए हैं, आंदोलन करते हैं, तमाम सड़क पे भी संघर्ष किए हैं, लाठियां करते हैं, तमाम मतलब बौद्धिक चिंतन भी होता रहता है, जैसे हमारे अग्रज सीनियर जितने भी लोग हैं सबकी मदद होती है और इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग अपना जीवन का सर्वोच्च लगाएंगे और अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लोहिया परियार समाजवाद अम्बेडकरवाद की स्थापना करेंगे इस देश में।